गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा ये सेशन है इसके अंदर हम देखेंगे कि डेली यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो नया प्रोग्राम आया है अंडर एन इसमें ये तीन वर्जन कौन कौन से हैं इफ यू रिमेम्बर तो जो प्रीवियस हमारा जो प्रोग्राम होता था उसके अंदर हमारे पास एक ऑनर्स कोर्स होता था एक हमारे पास बी प्रोग्राम का कोर्स होता था और एक बी प्रोग्राम का कोर्स होता था अब हम ये देखेंगे जो है नया सिस्टम है इसके अंदर ये तीन वर्जन किस तरीके से रिलेटेड है हमारे पास एक ऑनर्स का कोर्स है जो बी ए प्रोग्राम का कोर्स होता था उसकी जगह आप मल्टी डिस्पिनरी कोर्स आ गया है और मल्टी डिस्पिनरी कोर्स के दो वर्जन आ गए हैं एक जो बी ए प्रोग्राम के लिए है और एक जो बी एस सी प्रोग्राम के लिए है सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन अंडरस्टैंड ऑल थ्री न्यू टाइप ऑफ ऑफ एंड दी डिटेल्स ईच से अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ऑनर्स कोर्स है इसके अंदर हम डिग्रीज किस किस तरह की ले सकते हैं और कैसे कैसे हमें इनकी डिग्रीज मिलेगी तो ऑनर्स कोर्स में सपोज आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स लिया हुआ है तो उस केस में हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में तीन कोर सब्जेक्ट्स हैं अब ये कोर सब्जेक्ट्स कैसे होंगे ये कोर सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके खुद के डिसिप्लिन के हैं अगर आप देखें इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन तो इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन में हमारे पास ये तीन कोर्स हो गए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल और इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स सिमिलरली हमारे पास हर डिसिप्लिन के केस में हमारे पास ये कोर सब्जेक्ट्स होंगे उसके बाद एक जनरल इलेक्टिव होगा अब ये जनरल इलेक्टिव क्यों इम्पोर्टेंट है और माइनर डिग्री आप आपको, तो आपको तभी मिलेगी अगर आपके पास सात जीई होंगे एक ही पर्टिकुलर कोर्स के मान लीजिए बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है और उसको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा क्या कर सकता है सात पेपर ले ले जीई के टोटल आप मैक्सिमम आप दस ले सकते हैं अगर मैं दिखाऊंगा कि दस कैसे ले सकते हैं तो ये बच्चा सपोज सात पेपर ले ले क्या कहते के हैं पॉलिटिकल साइंस के तो इसको माइनर डिग्री मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस में देन उसके बाद फिर आपके आते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स अब इनकी एक लिस्ट प्रोवाइडेड है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में इन्वायरमेंट करके एक हमारा कोर्स है स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर हमारे फोर्टी वन कोर्सेस की लिस्ट है इनमें से आप कुछ सब्जेक्ट ले सकते हैं अगेन uh, uh, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्किल इन्हांसमेंट कोर्स उसमें लीजिए जहाँ पर आपको स्किल गेन करना है अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या फिर इन जनरल मुझे लगता है कि अगर आप uh, किसी भी टेक्निकल कोर्स के स्टूडेंट हैं नॉन टेक्निकल कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एक्सेल आना ही चाहिए तो आपको एडवांस एक्सेल का कोर्स लेना चाहिए अगर आप किसी भी थोड़ा सा भी टेक्निकल कोर्स जैसे फॉर एक्जाम्पल इकोनॉमिक्स ऑनर्स फिजिक्स या किसी भी इस तरीके के कोर्सेज से हैं तो आपको आर एज अ लैंग्वेज या पाइथन एज अ लैंग्वेज आपको आनी चाहिए तो वो, वो आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं स्किल एनहांसमेंट में एंड वैल्यू एडिशन कोर्स में जेनरिक आपके काफी सारे कोर्सेज हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं हर कॉलेज आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड करेगा उनमें से आप कोई भी चूज कर लीजिए टोटल आपके पास सेवन सब्जेक्ट्स हो जाएंगे अब अगर स्टूडेंट विद्रॉ करता है अपना कैंडिडेचर के अच्छा मुझे सिर्फ फर्स्ट ईयर तक पढ़ना है तो उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा इन दी फील्ड ऑफ आर्ट्स से इकोनॉमिक्स केस में उसको यहां पर मिल जाएगा नाउ कमिंग टू सेकेंड ईयर सेकंड ईयर में अगेन यहाँ पर आपके पास तीन कोर सब्जेक्ट गए डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सेवन एट और नाइन और फिर यहाँ पर अब आपके पास एक नया टर्म डिसिप्लिन का ही है या फिर आप जीई भी ले सकते हैं तो जीई और डी के बीच में आपके पास इंटरनल चॉइस है बट ये चॉइस एक्सरसाइज करने से पहले आप पूरा प्लान कर लें कि आपने सेवन जीई लेने हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तभी जाके आपको माइनर की डिग्री मिलेगी तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा सो so, उस बेसिस के ऊपर आप यहां पर चॉइस कर लीजिए एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स अगेन लिस्ट ऑफ के बीच में और यहां पर अगेन आपके पास एस और इंटर्नशिप अप्रेंटरशिप प्रोजेक्ट और कम्युनिटी कम्युनिटी आउटरीच के बीच में चॉइस है तो इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं उसके दो क्रेडिट हैं और वैल्यूडेशन कोर्स के अगेन लिस्ट है उनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं अगेन यहाँ पर आपके पास सात सब्जेक्ट्स हैं उन और उनके आपके टोटल क्रेडिट बनते हैं बाईस और ये सेम पैटर्न रिपीट होता है आपका फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जिसके थ्रू आपको आपके पास टोटल आफ्टर टू ईयर आपके पास एटी एट क्रेडिट्स हो जाएंगे और इन एटी एट क्रेडिट्स के बेसिस के ऊपर अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं अपना कैंडिडेट है, तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी कमिंग टू थर्ड ईयर थर्ड ईयर के केस में अगेन आपके पास तीन कोर हैं बट अब जो चेंज है वो ये है कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यहाँ पर कंपलसरी है यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है जी ई भी यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा और अब चॉइस आपके पास रह गई स्किल इन्समेंट कोर्स और इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट और कम्युनिटी आउटरीच के बीच में तो उनमें से आपको एक चूज कर लीजिए ये आपके पास टोटल छः सब्जेक्ट हैं और जो टोटल क्रेडिट बनते हैं आगे एन ट्वेंटी टू बनते हैं और ये सेम पैटर्न सिक्स सेमेस्टर के अंदर भी रिपीट होता है और आफ्टर थ्री ईयर्स केस ऑफ एन ऑनर्स कोर्स आपको ऑनर्स की डिग्री मिल सकती है तो यहाँ पर जैसे पहले होता था आपको तीन साल बाद ऑनर्स की डिग्री मिल रही है यहाँ पर भी आपको तीन साल बाद ऑनर्स की डिग्री मिल सकती है बैचलर्स इन आर्ट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स की आपको डिग्री मिल सकती है अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो बट आपको यहाँ मेजर और माइनर नहीं मिलेगा आफ्टर थ्री ईयर्स अगर आपको मेजर माइनर या डेजर्टेशन लिखनी है तो आपको फोर्थ ईयर में जाना पड़ेगा फोर्थ ईयर का आपको फायदा क्या होगा एक फायदा आपको यह होगा कि आपकी मास्टर्स हो जाएगी वो एक साल की हो जाएगी और दूसरा फायदा अगर आपके आपका परसेंटेज बहुत हाई है आपका सीजीपी बहुत हाई है तो आप डायरेक्ट पी में एडमिशन ले सकते हैं ये यूजीसी की नई गाइडलाइंस आ रही है अब हमारा फोर्थ ईयर कैसा होगा आपके सेवेंथ सेमेस्टर के अंदर एक कोड आपका सब्जेक्ट होगा तीन आपके पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हैं और दो जीई ई है अब इनमें से आपके पास जो है इंटरनल चॉइस है कि इन पांच सब्जेक्ट में से आपको कोई भी तीन लेने हैं और एक आपको डेजिटेशन जो है आपकी डेजिटेशन सेवन सेमेस्टर और एट सेमेस्टर में रहेगी अब डेजिटेशन के जो पॉइंट्स हैं वो सिक्स यहां पर है सिक्स यहां टोटल डेजिटेशन जो आपकी वो ट्वेल्व पॉइंट्स की है अब डेजिटेशन क्या है डेजिटेशन आप मेजर सब्जेक्ट में कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स में लिख सकते हैं अपने माइनर सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल पोलिटिकल साइंस में कर सकते हैं इस केस में या फिर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऑन्टरप्रनरशिप कर सकते हैं इसकी डिटेल्स यूनिवर्सिटी कुछ टाइम में दे देगी कि, कि किस तरीके से प्ले आउट करेगा अब आपका सेवन्थ सेमेस्टर में इन पांच सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर आपके पास बाईस क्रेडिट हो गए और एट्थ सेमेस्टर में भी आपके पास इन सब्जेक्ट्स के बेसिस बाईस क्रेडिट हो गए टोटल वन सेवेंटी सिक्स क्रेडिट्स हो गए आपके पास आफ्टर फोर इयर्स अब आपके पास वेराइटी ऑफ डिग्रीज बन सकती हैं जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है अकॉर्डिंग टू मी वो आपके पास क्या मिल सकता है बारे में बात करते हैं कि आपको कैसे मिलेगी ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर आप देखें जो मैंने आपको बताया माइनर डिग्री जो आपको मिलेगी तब जब आपने सेवन जीई लिए एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तो आपके पास 28 एट क्रेडिट्स हो जाएंगे और उस सब्जेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा माइनर डिग्री बट माइनर और मेजर तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास एक माइनर हो तभी आप मेजर बना सकते हो तो अब मेजर डिग्री कैसे मिलेगी मेजर डिग्री तभी मिलेगी जब आपने पूरे चार साल कंप्लीट किए जिसमें आपने 20 बी पढ़े टिल एट सेमेस्टर और दो कोई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है तो वो तो आपको इन एनी केस आपको थर्ड ईयर में कंपलसरी हो जाएंगे तो वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसके बेसिस पर आपके पास एटी क्रेडिट्स मिल जाएंगे और उस सब्जेक्ट में आपको मेजर मिल जाएगा अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है एक चीज रिसर्च मेथडलॉजी रिसर्च मेथडोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट है हमारा और और हर डिसिप्लिन ऑफर आपको करेगा उस केस में आपको बताया जाएगा कि रिसर्च कैसे करनी होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगा जब आप डेजिटेशन लिखोगे सेवन्थ और एट सेमेस्टर में इसीलिए मेरा मानना यह है कि आपको सिक्स सेमेस्टर में करनी चाहिए रादर देन सेवन्थ सेमेस्टर में सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर फॉर योर डेजिटेशन पार्ट और इसमें ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये हर डिसिप्लिन के अंदर है और उस केस में ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है बट ये इंटर भी हो सकती है अब कैसे सपोज मैं स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का और आजकल एक नई फील्ड आई है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की जिसमें साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो उस केस में साइकोलॉजी का स्टूडेंट क्या कर सकता है वो कहेगा कि मैं इकोनॉमिक्स का रिसर्च मेथोडोलॉजी लेना चाहता हूँ

देन कमिंग टू डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ डिग्रीज देट आर पॉसिबल ना एक तरीके की डिग्री क्या बन सकती है कि सपोज उसने बच्चे ने क्या किया कि आपने uh, पूरे आठ सेमेस्टर पढ़ लिया बट कोई माइनर नहीं बनाया अपने पास सेवन जीज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं थे तो उस केस में आपकी जो डिग्री बनेगी अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो बनेगी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद रिसर्च क्योंकि आपने रिसर्च वर्क कराया इन इकोनॉमिक्स ना अगर ये सब अगर ये स्टूडेंट माइनर भी बना लेता और सपोज पॉलिटिकल साइंस में माइनर बना लेता तो उसको डिग्री क्या मिलेगी उस केस में उसको डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एज मेजर एंड पोलिटिकल अगर ये स्टूडेंट कहते हैं डेजिटेशन के बजाय प्रोजेक्ट करता है या ऑन्टरप्रिनशिप ऑप्ट करता है सेवंथ और एट सेमेस्टर में तो उस केस में उसको डिग्री क्या मिलेगी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या फर ऑनटरप्रीनरशिप इन इकोनॉमिक्स मेजर और अकेडमिक प्रोजेक्ट या

अब हम देखेंगे कि प्रोग्राम कोर्स का किस तरीके से ऑपरेट करेगा अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम कोर्स किस तरीके से ऑपरेट करता है अगर हम प्रोग्राम कोर्स देखें तो पहले इसको हम बीए प्रोग्राम बोलते थे तो अगर आप पिछले स्टूडेंट देखें तो वो प्रोग्राम कोर्स कैसे लेते थे दो सब्जेक्ट्स होता था फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते थे वो होते थे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन या पोलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन या हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन तो दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होते थे यहां पर भी इसी तरीके से कॉम्बिनेशन होगा बट यहां पर मेजर और माइनर बनाने के लिए थोड़ी सी टेक्निकलिटी है और आपको बच्चों को उसी हिसाब से गाइड करना पड़ेगा तो ये टेक्निकालिटी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचर्स के लिए एंड स्टूडेंट्स डेंसेल्स के लिए क्योंकि अब बहुत सारे कोर्सेज ओपन के लिए हैं तो मेरी बहुत सारी ऑडियंस ओपन uh, की होगी क्योंकि अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्स अब ओपन से भी हो सकते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोच समझ के अपने कोर्सेज लेना क्योंकि आप खुद डिज़ाइन करोगे इट्स लाइक अ मेन्यू दैट यू आर यू आर चूजिंग और उस मेन्यू में आप चूज कर रहे हो कि किस तरीके से मुझे कितना uh, कौन कौन से कोर्सेस कि, किस किस तरीके के चाहिए तो अगर आप खुद क्यूरेट कर रहे हो अपने कोर्सेज तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि हम दो सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल लेंगे अब ये स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको पॉलिटिकल साइंस में करना है माइनर uh, और इकोनॉमिक्स में करना है मेजर

Language first, first के language होंगे, और वो दो डिफरेंट लैंग्वेज में होंगे तो एक, में से एक होगी, या दोनों इंडियन लैंग्वेज हो सकती है नहीं, या फिर एक इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज हो सकती है या एक कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है जो भी वो कोर्सेज ऑफर करते हैं सो so, उस केस के अंदर आपको पास फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर्स में लैंग्वेज कोर्स लेने होंगे एज जी ई देन जैसा हमारे ऑनर्स कोर्स में था वैसे ही आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है स्किल एनहांसमेंट कोर्स है और एडिशन कोर्स है इनकी आपके पास लिस्ट प्रोवाइडेड होगी और उनमें से आप चूज कर सकते हैं अगेन मैं स्ट्रेस कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे से डिसाइड करके चले कि मुझे किस सब्जेक्ट में मेजर करना है किस सब्जेक्ट में माइनर करना है एंड आफ्टर फोर ईयर्स आपको ऑनर्स की डिग्री भी मिल सकती है ये भी मैं आपको एक अभी एक्सप्लेन करूंगा तो इस केस के अंदर अब हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम पैटर्न चलेगा कि आपको दो कोर सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके डिसिप्लिन के जैसे इकोनॉमिक्स के हो गए और एक सब्जेक्ट कोर हो जाएगा डिसिप्लिन का और अगर ये स्टूडेंट चाहे तो ये विड्रॉ कर सकता है आफ्टर फर्स्ट ईयर और उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा इन दी फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी देन कमिंग टू थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के केस में यहां पर क्या होगा कि पैटर्न काफी हद तक सिमिलर रहेगा एक्सेप्ट फॉर सम इंटरनल चॉइस आपके पास अगेन दो सब्जेक्ट्स के आपके पास स्कोर हो जाएंगे और एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए जो है हमारा इकोनॉमिक्स है तो आप, आपके पास एक इकोनॉमिक्स का पेपर दूसरा इकोनॉमिक्स का पेपर और तीसरा जो होगा आपके पास पोलिटिकल साइंस का कोर हो जाएगा बट यहाँ पर एक स्पेशल चीज है यहाँ पर स्पेशल चीज ये है कि यहाँ पर बच्चा चाहे अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट ईयर में कोर्स किया है इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स आपने मेजर के हिसाब से लिया हुआ था और पॉलिटिकल साइंस माइनर के हिसाब से लिया हुआ था तो आप फ्लिप कर सकते हैं फ्लिप करके क्या कर सकते हैं फ्लिप का एक्सप्लेनेशन जैसे आपके पास यहां पर मैंने आपको दिया हुआ है कि आप डिसिप्लिन ए को डिसिप्लिन बी बना सकते हो और डिसिप्लिन बी को डिसिप्लिन ए बना सकते हो दैट मीन्स यहां पर आप क्या कर सकते हो यहां पर आप ए को आप बना सकते हैं पोलिटिकल साइंस और बी को इकोनॉमिक्स बट ये जो आप यहां पर चूज करेंगे वो आपका एंड तक रहेगा तो ओनली वन टाइम यू विल गेट दिस चॉइस ऑफ फ्लिपिंग

और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स अगेन लिस्ट में से चूज किया अब यहां पर एस और इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट और कम्युनिटी आउटरीच के अंदर चॉइस है जैसे ऑनर्स कोर्स में होता था उनमें से एक कोई सब्जेक्ट ले लेगा इन दोनों में से एक कोई सब्जेक्ट ले लेगा बच्चा और वैल्यू एडिशन कोर्स है वैल्यू एडिशन कोर्स जो है वो आपको लिस्ट में से आपको लेना है टोटल आपके पास सेवन सब्जेक्ट उसके बीच में आपके ट्वेंटी टू क्रेडिट्स बन जाएंगे और ये सेम पैटर्न रिपीट करेगा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर भी देन उसके बाद अगर ये बच्चा क्विट करना चाहे तो उसको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी इन दी फील्ड ऑफ मल्टी सपोज़ ये बच्चा कहता है मैं थर्ड ईयर भी पढ़ूंगा तो थर्ड ईयर के केस में अगेन उसके पास दो कोर आ जाएंगे डिसिप्लिन ए के तो इकोनॉमिक्स के दो पेपर एक पेपर हो जाएगा उसके पास अपना पोलिटिकल साइंस का और अब जो नई चीज आई है वो आई है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव अब उसको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव एक अपने डिसिप्लिन का या तो इकोनॉमिक्स का या पॉलिटिकल साइंस का एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव चूज करना है और रिमेंबर आपको एक बी का भी चूज करना पड़ेगा तभी आपकी माइनर की डिग्री मिलेगी मैं आपको अभी माइनर का वो क्लियर करता हूं कि माइनर की डिग्री और मेजर की डिग्री कैसे मिलती है तो अगर आपको माइनर डिग्री चाहिए तो आपको सिक्स डीएससी पढ़ने हैं और एक डीएसई पढ़ना है टू बी फुलफिल्ड इन दी फर्स्ट सिक्स सेमेस्टर्स दैट मीन कि अगर आपने ये जो पहले छह सेमेस्टर हैं उसमें आपको ये छह पेपर पढ़ने पड़ेंगे कोर पॉलिटिकल साइंस के छह पेपर पढ़ने पड़ेंगे कोर अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में माइनर करनी है और इन दोनों में से फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में से ये जो दो डीएससी दे रखे हैं इनमें से एक में आपको पॉलिटिकल साइंस का एक डीएससी लेना पड़ेगा तो आपका जो माइनर का जो क्राइटेरिया है वो यहीं पर आके खत्म हो जाएगा इन सिक्स सेमेस्टर तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से माइनर बना रहे हैं मेजर के केस में आपको कैसे मेजर की डिग्री मिलेगी अब मेजर के केस में आपको थोड़ा इजी हो जाता है यहां बनाना वो कैसे? कि आपको 14 और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स प्लस डेजिटेशन मिला के अगर आपके एससी पॉइंट बन जाएंगे क्रेडिट बन जाएंगे तो आप ले सकते हैं तो इस बेसिस के ऊपर आपको मेजर की डिग्री मिलेगी अभी मेजर की डिग्री फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये हमारे पास डिसप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हो गया जीई अब यहाँ पर जीई जो है वो लैंग्वेज नहीं है ये किसी और सब्जेक्ट का आप जी ले सकते हैं और एस और इंटर्नशिप अप्रेंटिसिप प्रोजेक्ट और कम्युनिटी आउटरीच के बीच में चॉइस आ जाएगी टोटल आपके पास छह सब्जेक्ट और बाईस क्रेडिट हो जाएंगे और यही आपका सिक्स सेमेस्टर में होगा अब इस केस के अंदर थर्ड ईयर के बाद आपको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिल रही यहां पर आपको बैचलर इन मल्टी स्टडी मिलेगा विद 132 क्रेडिट्स अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो आपको फोर्थ ईयर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा फोर्थ ईयर में क्या है फोर्थ ईयर में जो भी आप सब्जेक्ट मेजर करना चाह रहे हैं उसी का आपके पास कोर होगा तो यहां पर एक ही कोर है और वो कोर इस केस में आपके पास इकोनॉमिक्स का होगा फिर उसके बाद उसके आपके पास तीन तीन आपके पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है और दो जीज हैं जैसे ऑनर्स के केस में होता था इनमें से आप कोई भी तीन चूज कर लीजिए बट रिमेंबर अगर आपको आपको यहां पर मेजर बनाना है

बाकी अगर आप डेजर्टेशन लिख रहे हैं तो आपके पास ट्वेल्व वो हो गए तो आपको सिर्फ तीन और सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इन इकोनॉमिक सो दैट आपका बन जाए आ, ये मेजर में तो ये आपके पास आपके आगे टोटल इनमें से पांच में से इन में आपको तीन चूज करना है और आपको जो डेजिटेशन लिखना है वो डेजिटेशन आप मेजर में लिख सकते हैं माइनर में लिख सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं ऑनटरप्रिनरशिप कर सकते हैं

फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जो डीएससी है उनमें से एक डीएससी आप अपने माइनर सब्जेक्ट का लेंगे और उस केस में आपका डिग्री कंप्लीट हो गया माइनर का एंड दी कंसेप्ट ऑफ माइनर इज ओनली रेलिवेंट वेन देर इज अ मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर और मेजर कैसे बनेगा मेजर आप किसी भी कॉम्बिनेशन से बना लीजिए मेजर आप बना लीजिए फोर्टीन डीएससी प्लस सिक्स डीएसई करके या फिर आप डिसिप्लिन कोर प्लस इलेक्टिव प्लस डेजर्टेशन सब कुछ मिला के अगर आप एटी क्रेडिट्स ले लेते हैं तो उस केस में आपको फिर भी उस सब्जेक्ट के अंदर मेजर डिग्री मिल जाएगी Now, अगर कोई सब, अगर कोई स्टूडेंट डेजिटेशन लिखता है और देर इज नो माइनर इन इन दिस केस सपोज उसके पास वो अट्ठाइस नहीं बनते तो उसको डिग्री क्या मिलेगी बी ए ऑनर्स सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज की डिग्री मिल जाएगी अगर वो स्टूडेंट जो है वो मेजर और माइनर के नॉर्म्स को मीट कर लेता है डेजिटेशन लिख लेता है तो उसको क्या डिग्री मिलेगी बी ए ऑनर्स सोशल साइंसिस या ह्यूमैनिटीज इन इकोनॉमिक्स एज मेजर एंड पोलिटिकल साइंस इज माइनर एज इंडिकेटेड इन इनहर मार्क्सशीट और अगर वो डेजिटेशन के बजाय एकेडमिक प्रोजेक्ट लिखता है तो उसको बैचलर इन फील्ड ऑफ मल्टी स्टडी और ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या uh, लेगा जो मैंने आपको स्विच के बारे में बताया था कि आप फर्स्ट टू सेमेस्टर्स के बाद थर्ड सेमेस्टर में आप स्विच कर सकते हैं बट उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मेजर और माइनर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप ऐसा स्विच करेंगे तो देन पॉसिबल है बट मुश्किल हो जाएगा देन उसके बाद मैंने आपको ये लैंग्वेजेस का बता दिया कि फर्स्ट फोर सेमेस्टर में जो जी है वो लैंग्वेजेज आपको दो सब्जेक्ट में दो लैंग्वेजेस में लेना पड़ेगा जिसमें से एक इंडियन लैंग्वेज होगी या दोनों इंडियन लैंग्वेज भी हो सकती है और 18 आपके पास क्रेडिट्स होने चाहिए मिनिमम एंड 26 सिक्स मैक्सिमम क्रेडिट्स हाउ एवर यू आर एडवाइज टू हैव अ टोटल ऑफ ट्वेंटी टू क्रेडिट्स पर सेमेस्टर फॉर योर ईजी सेमेस्टर लाइफ ना इसके बाद हम देखेंगे जो फर्स्ट ट्वेल्व बी प्रोग्राम था वो किस तरीके से रिओरियंट हुआ है अब हम देखते हैं कि ये जो बी प्रोग्राम था उसको किस तरीके से रीडिजाइन किया गया अब बी प्रोग्राम के अगर आप कोर्सेज देखें तो वहाँ पर तीन डिसिप्लिन होते थे तो अब उस केस में यहाँ पर आप हमारे पास तीन डिसिप्लिन हो जाएंगे तो एक डिसिप्लिन हो जाएगा अब ए वन ए हो जाएगा एक डिसिप्लिन बी और एक हो जाएगा डिसिप्लिन सी तो यहाँ पर तीन डिसिप्लिन के तीन कोर्स आ जाएंगे अब यहाँ पर मेजर और माइनर बनाना थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा कि मेजर और माइनर कैसे बनेगा माइनर डिग्री के लिए आपके पास जो है तीन आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी सब्जेक्ट में माइनर करना चाहते हैं बी या सी में से अभी हम अज्यूम करके चलेंगे कि ए में आप मेजर करना चाहते हैं और बी या सी में से किसी में एक माइनर करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आपके पास छह आपके पास कोर्स होने चाहिए और एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होना चाहिए टू बी फुलफिल्ड इन दी फर्स्ट सिक्स सेमेस्टर्स तो अब वो कैसे होगा तो आपने यहां पर तीन सब्जेक्ट्स पढ़े एक ए का एक बी का और एक सी का हम मान के चल रहे हैं कि ए में आप मेजर करना चाह रहे हैं और बी या सी में से एक कोई माइनर करना चाह रहे हैं फिर उसके पास अब आपके पास ये पूल ऑफ सब्जेक्ट्स हैं अब इन पूल ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर आप कोई भी पूल ले लीजिए और यहाँ पर अगेन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स स्किल एनहान्समेंट एंड वैल्यूडेशन कोर्स जो आपके पास कॉलेज में चॉइस होंगी उसमें आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं एंड इनके बेसिस पर आपके पास सेवन पेपर्स हो गए और आपके पास ट्वेंटी टू क्रेडिट्स हो गए सेम आपका सेकेंड सेमेस्टर में और अगर आप यहाँ से आप ऑप्ट आउट करते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी अब यहां पर क्या होगा इन केस ऑफ बी ए बी एस सी प्रोग्राम केस में अगेन थर्ड सेमेस्टर में वो ए बी सी तीन सब्जेक्ट चल रहे हैं और फिर यहां पर आपके पास थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आ जाएगा और जीई के बीच में चॉइस आ जाएगी तो यहां पर डीएससी एस वन है वो आप किसका ले सकते हैं ए का भी ले सकते हैं बी का भी ले सकते हैं और सी का भी ले सकते हैं बट रिमेंबर जिसमें भी आप माइनर बनाना चाहते हैं टिल सिक्स सेमेस्टर आपको किसी कोई एक सब्जेक्ट के अंदर आप बी या सी में से एक का तो कोई आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लेना ही चाहिए तभी आपकी माइनर की डिग्री मिलेगी क्योंकि आप माइनर की डिग्री देखिए तो माइनर की डिग्री कह रही है कि हमें छह डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पढ़ने हैं टिल्स सेर कैसे हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा से पढ़ा थर्ड में पढ़ा फोर्थ में पढ़ा फिथ्थ में, में, में पढ़ा और सिक्स में बट तो तो यहां पर आपको एक बी में आपको एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा तभी आपकी माइनर की डिग्री बी के अंदर बनेगी या सी में अगर बनाना चाहो तो सी में बनेगी तो इसीलिए यहां पर थोड़ा टफ है बनाना माइनर की डिग्री बनाना थोड़ा और माइनर और मेजर की डिग्री बनाना थोड़ा टफ है इन केस ऑफ बी एस सी प्रोग्राम तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है ए बी सी में से आप कोई भी एक ले लीजिए या फिर आप जी ई ले लीजिए तो यहाँ पर जी ई के बेसिस पर आपकी माइनर की डिग्री नहीं ले रही तो यूजली यूजली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स बी एस सी ऑप्ट करेंगे देन चॉइस uh, है आपके पास इन दोनों में फिर उसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स आपके पास आ गया एक अगेन और यहाँ पर स्किल और ऑंटरप्रनरशिप इंटर्नशिप uh, अकेडमिक प्रोजेक्ट और कम्युनिटी आउटरीच के बीच में है अगेन uh, तो तो यहां पर आप क्विट करते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है अब फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के बारे में बात करते हैं तो अगेन आपके पास तीन कोर सब्जेक्ट्स हो गए डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और जनरल इलेक्टिव के बीच में चॉइस हो गई और स्किल एनहसमेंट आपके पास और इसके बीच में कम्युनिटी आउटरीच के बीच में आपके पास चॉइस हो गई तो यहां पर आपके पास छह पेपर हो गए क्योंकि अब वैल्यू एडिशन कोर्स नहीं है तो इनके बेसिस के ऊपर आपके पास अगेन ट्वेंटी टू क्रेडिट हो गए और सेम आपके पास सिक्स सेमेस्टर में हो गए अगेन आई एम हाईलाइटिंग की आपको अगर माइनर डिग्री बनानी है बी प्रोग्राम के अंदर तो आपको छठे सेमेस्टर तक छह कोर पेपर और एक बी उस सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका

सेमेस्टर तो ये तो आपका कंपल्सरी हो गया ठीक है फिर उसके बाद ये कहते हैं कि आपको नाइन डीएससी पढ़ने चाहिए नाइन डीएससी पढ़ने का मतलब आपको कॉन्टिन्यूसली यहां पर भी डीएससी लेने पड़ेंगे ठीक है ज्यादा चॉइस नहीं रहेगी आपके पास तीन डी आपको ए के लेने चाहिए और तीन डी आपको यहां लेने चाहिए तो छह आपके पास ये आ गए डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव अब बाकी कहां से आएंगे बाकी आप यहां से उठा सकते थे ठीक है ये आपके पास हो गया और यहां पर ये आपके पास हो गया और ये आपके पास ऊपर भी हो गए तो ऊपर जो आपके पास जो चार सेमेस्टर्स में चल रहे थे वो उनमें से एक तो आपने बी के लिए ले लिया बाकी जो आप लेंगे वो आप सब्जेक्ट ए के लेंगे तो दैट मीन्स अगर आपने यहां पर एक बी का कोर्स ले लिया आपने एक बी का इलेक्टिव ले लिया तो बाकी सब में आप ए का ही लीजिए सो दैट आपकी मेजर डिग्री बन जाए तो नाइन ये गए आपके पास एट आपके पास कोर्स हो गए बट उसके बाद भी आपके पास सिक्सटी एट ही बचे दैट मीन्स आपको जो अपना डिसिप्लिन आपको जो ये डिजर्टेशन लिखना है ये भी आपको मेजर में लिखना पड़ेगा तब जाके आपको डिग्री मिलेगी मेजर की सो विच एसेंशली मीन्स कि यहां पर मेजर डिग्री बनाना चैलेंजिंग है यहां पर आप गलती नहीं कर सकते आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी आप एट कोर लीजिए नाइन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लीजिए तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इट इज टफर टू मेकेन अ मेजर इन केस ऑफ बी ए बी एस सी प्रोग्राम स्टूडेंट टेक नाइन आउट ऑफ टेन पॉसिबल डीएसईज एंड फोर गो ऑल जी ई ऑप्शन दैट मीन्स आपको जीई नहीं लेना है अगर आपने कभी भी जीई पिक कर लिया क्योंकि जीई के केस में अगर आप यहां देखिए इंटरनल चॉइसेस हैं अगर आपने जी ई पिक कर लिया तो आप मेजर नहीं बना पाएंगे कभी भी तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल इन केस ऑफ बी प्रोग्राम कोर्सेस देन उसके बाद अगर हमने ये ये सारा देख लिया तो हम हम कैसे देख रहे हैं हमारे पास एक हमारे पास एबीसी में से जिसमें भी आपको मेजर करना है सपोज आपने डिसिप्लिन ए में करना है तो डिसिप्लिन ए में आपने वो एक कोर ले लिया अब यहां पर आपके पास तीन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हैं और दो जी ई है उनमें से आपको तीन लेना है बट एज एज आई एक्सप्लेन यू कि आपको जी नहीं लेना चाहिए अगर आपको मेजर बनाना है तो और डेजिटेशन और डेजिटेशन भी अगर आपको मेजर बनाना है तो आपको डेजिटेशन मेजर सब्जेक्ट में ही लेना चाहिए सिमिलरली एथ सेमेस्टर में भी है और उसके बाद जो आपको डिग्री मिलेगी वो आपको मिलेगी बैचलर्स इन द फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिन ऑनर्स और ऑनर्स विद अकेडमिक प्रोजेक्ट अगर आप अकेडमिक ले प्रोजेक्ट ले, ले लेते हैं तो, तो ये हमारा टोटल हमारा जो प्रोसीजर है वो है और सपोज ये बच्चा है मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि सपोज स्टूडेंट है जिसने मेजर और माइनर दोनों बना लिए तो उस केस में उसको डिग्री कैसे मिलेगी उसको मिलेगी बी एस सी ऑनर्स इन फिजिक्स एज मेजर एंड केमिस्ट्री एज माइनर तो उसने डिसिप्लिन ए के अंदर फिजिक्स के अंदर उसने आठ तो पढ़े होंगे कोर नौ पढ़े होंगे के के छे कोर पढ़े होंगे और एक डी एस सी लिया होगा केमिस्ट्री का तब जाके उसको वहां पर माइनर की डिग्री मिलेगी सो दिस इज हाउ योर एंटायर प्रोग्राम इज पैंड यू जी सी एफ जो हमारा अंडर uh, ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क है 2022 का दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसको मैंने सिम्प्लीफाई करके डाला हुआ है अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एम टीचिंग इन गार्गी कॉलेज इन द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एंड माई नंबर इज है इट्स नाइन एट नाइन नाइन ट्रिपल फोर ट्रिपल वन एंड आई होप ये पूरा सेशन आपको क्लियर कर देगा कि किस तरीके से आपको डिग्रीज मिल सकती हैं थैंक यू वेरी मच जय हिंद